नमस्कार मित्रों, कृषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है यार यार की लड़ाई। एक बार एक महात्मा जी बीच बाजार में से ही कहीं जा रहे थे। वही पास के एक कोठे की छत पर एक वेश्या पान खा रही थी। अचानक उसने बेख्याली से उसने पान की पिक नीचे थूकी और वो पिक नीचे जा रहे महात्मा जी के पैर के ऊपर गिरी। महात्मा जी ने ऊपर देखा वेश्या की और तथा मुस्कुरा कर आगे की ओर बढ़ गई। यह देखकर वेश्या को अपना अपमान समझ गुस्सा आया। उसने वहीं पर बैठे अपने यार को कहा कि तुम्हारे होते कोई मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है और तुम यहाँ बैठे हो। इतना सुनकर उसने यार ने वही बड़ा डंडा उठाया और नीचे उतर कर आगे जा रहे महात्मा जी के सर पर जोर से दे मारा और वेश्या की तरह देखकर मुस्कुराया कि देख खैर मैंने बदला ले लिया। महात्मा जी ने अपना सर देखा जिसमें से खून निकल रहा था। तब भी महात्मा जी कुछ नहीं बोले और मुस्कुराया दिए और वही पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस वेश्या का यार मुस्कुराता हुआ वापस लौटने लगा। जब वो कोठे की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो उस सबसे ऊपर की सीढ़ी से उसका पैर फिसला और वो सबसे नीचे आ गिरा और उसके बहुत ज्यादा चोट लगी। यह सब तो वेश्या देख रही थी और वो समझ गए कि वो महात्मा जी बहुत ही नाम जपने वाले और सच्चे हैं। वो नीचे आए और महात्मा जी के पास जाकर पैरों में गिर कर बोली, महात्मा जी मुझे माफ कर दो, मैंने ही अपने पीछे अपने यार को भेजा था, उसने ही अपने सर पर वार किया था, मुझे माफ कर दो। तो उन महात्मा जी ने मुस्कुरा कर कहा कि बेटे, इस सारे झगड़े में तू और मैं कहाँ से आ गए, इसमें तुम्हारा और मेरा कोई दोष नहीं है, ये यार यार की लड़ाई है। तुम्हारे यार से तुम्हारी बेइज्जती नहीं देखी गई और मेरा यार जो वो ऊपर वाला है उससे मेरी तकलीफ नहीं देखी गई, इसलिए उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और तुम्हारा यार तो तुम्हारे पास कभी कभी ही आता है, कभी दिन में कभी रात में, लेकिन मेरा यार हर वक्त मेरे साथ ही रहता है, इसलिए तुम भी उसी की शरण लो जो हर वक्त तुम्हारे के साथ ही रहे, जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद भी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।